24x7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24x7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, आगामी 7 जून को ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और प्रसन्नजीत चटर्जी अभिनीत फिल्म अयोग्य रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशक कौशिक गांगुली है। हाल ही में यानी गत रविवार को इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर सुरिंदर फिल्म्स की ओर से जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अगर फिल्म के पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में प्रसन्नजीत चटर्जी को भूरे रंग की कमीज और ब्लैक कोट के साथ देखा जा सकता है। ठीक उनके पीछे ऋतुपर्णा उनको घेरे हुए हैं। ऋतुपर्णा भी भूरे रंग और काले रंग की कॉम्बिनेशन की एक साड़ी पहनी हुई है। पोस्टर जारी होते ही निर्देशक कौशिक गांगुली ने ट्वीट किया है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूं। वहीं प्रसन्नजीत ने ट्वीट कर लिखा है, ये मेरी और ऋतुपर्णा की 50वीं फिल्म है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक रिलेशनशिप ड्रामा जॉनर की फिल्म है। पता चले कि ऋतुपर्णा और प्रसन्नजीत की पहली फिल्म नाग पंचमी थी, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक विजय भास्कर थे। इसके बाद ऋतुपर्णा और प्रसन्नजीत ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी हैं। उदाहरण के तौर पर ससुरबाड़ी जिंदाबाद, बाबा कैनो चाकोर, शुधु एक बार बोलो, मधुर मिलन, आश्रय, माटीर मानुष, गुरु शिष्य, मायर अधिकार और न जाने ऐसी कई फिल्में हैं जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। दोस्तों, टॉलीवुड में उत्तम कुमार, महानायक उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी के बाद अगर किसी जोड़ी को पसंद किया गया है वो है ऋतुपर्णा और प्रसन्नजीत की जोड़ी, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की थी और दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया है। लेकिन आगे चलकर 2002 में शपुन शाह की फिल्म स्त्री मर्यादा में दोनों को आखिरी बार काम करते देखा गया। फिर आगे चलकर न जाने इन दोनों की जोड़ी पर किसी की नजर लग गई और दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, 14 साल दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। बड़े पर्दे पर उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि शिबू प्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय ने एक बार फिर से इन दोनों को फिल्म प्राक्तन में कास्ट किया और वो फिल्म 2016 में, आप सभी को पता है, 2016 में वो फिल्म रिलीज हुई और काफी हिट साबित हुई। आगे चलकर 2018 में कौशिक गांगुली ने दृष्टिकोण नामक एक फिल्म में फिर से कास्ट किया। उस दौरान कौशिक गांगुली ने यकीन दिलाया था कि वे इन दोनों को लेकर उनकी 50वीं फिल्म भी बनाएंगे। जी हाँ, यही है वो फिल्म अयोग्य जो रिलीज होने के कगार में है। आखिरी बार प्रसन्नजीत को सुजीत मुखर्जी की फिल्म दशम अवतार में अभिनय करते देखा गया। वहीं ऋतुपर्णा को निर्मल चक्रवर्ती निर्देशित फिल्म दत्ता में आखिरी बार अभिनय करते देखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर आप बताइएगा और इस फिल्म को देखने के लिए यानी अयोग्य को देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। नमस्कार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार।